ओके सो आज ऋतिक रोशन का बर्थडे है. आपने एचआरएक्स भी पहना है, काफ़ी बड़े फैन लग रहे हो. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन इज आवर इंस्पिरेशन सिंस कहो ना प्यार. तो उनके लिए हम कितना भी खड़े रहेंगे, रात भर खड़े रहेंगे यहाँ पे, जब तक उनको देखेंगे नहीं. ये सब एक जैसे फैंस हैं. तो जब से कहो ना प्यार है उनका क्रेज चालू हो गया, अभी भी वैसे ही है. हुक स्टेप भी अभी भी चल रहा है. यस, तो ही इज इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस. वी आर द सेम. तो उनके लिए हम सुबह से खड़े हैं यहाँ पे. जब तक वो नीचे नहीं आते, हम हमारे साथ सेल्फी नहीं लेते या फिर वेव नहीं करते, हम नहीं जाने वाले. कितने समय से आप कुछ बताना चाहोगे, कुछ अब तक आए या नहीं आए? फिलहाल तो हम लोग सुबह 10 बजे से खड़े हैं यहाँ पे. तो ऋतिक सर बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे वेव किया हमको और हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया प्लीज कम डाउन. तो तब जाके उन्होंने ओके बोला. आपने कुछ तोहफा लाए हो? तोहफा तो नहीं लाए हम उनके लिए. अभी इधर परफॉर्मेंस कर सकते हैं. ओके, नीचे आएंगे तो उनके लिए परफॉर्मेंस, उनके सरप्राइज तो हम ही एक सरप्राइज है उनके लिए. बट एक बार आ जाए बस, हमारी एक ड्रीम है. दूर दूर से आए लोग हैं इधर. आप कहाँ? कोई गुजरात? मैं तो बॉम्बे वाला ही हूँ. ओके, मैं बॉम्बे वाला हूँ और भाई एक बार मिल भी चुका हूँ मैं उनसे और सेल्फी भी ले चुका हूँ. बट वी कैन डू एनीथिंग फॉर हिम. और सबसे अच्छी बात क्या लगती है, कोई ऐसी मूवी जो काफ़ी आपको पसंद हो? अपने कहो ना प्यार है तो बताओ. कहो ना प्यार है तो बताया आपको. उनका हमको क्या पसंद है, हर चीज़ में परफेक्शन है वो. एक भी हेटर नहीं है उनके. तो कहो ना प्यार के बाद धूम टू, कोई मिल गया, उनके बाद उनका तो क्रेजी है फैन. लोग बोलते तो पागल है, मैं हाँ पागल हूँ. कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए. उनके ऐसे कपड़े, उनके ऐसा सब बॉडी, उनके ऐसे ट्राई कर रहा हूँ. ऐसे जो भी आप ऋतिक के फैन देखोगे आप, उनका कुछ ना कुछ उनके अंदर उनका रहेगा. yes. या तो बॉडी या तो उनके जैसा डांस कर रहा है. तो सब ऐसे ऋतिक मतलब ऐसे वो जादूगर है ना, पता नहीं क्या हो जाते हैं हमारे अंदर. ठीक है, थैंक यू सो मच. एक कहो ना प्यार का स्टेप आप कर लीजिए, आप इतना फोर्स कर रहे हो. 1 2 3 4 थैंक यू. आप लोग आए हो ऋतिक सर का आज बर्थडे है, तो कुछ बताना चाहोगे सर के बारे में? और कहाँ से आप लोग आए हो? मैं यूपी से आया हूँ, शाहजहाँपुर से.
और ऋतिक सर के लिए मैं इतना कहूँगा, वो एक आइडल हैं पूरे हिंदुस्तान के। सबसे बड़ी बात है 49 की एज में आज भी 29 की एज की तरह दिखना, ये बहुत ही लाजमी है। बॉलीवुड में कोई एक्टर इनके जैसे फिटनेस के मामले में हम नहीं बोल सकते होगा। और प्लस जो इनकी मूवी आज तक जितनी देखी, चाहे क्रिस हो या कोहना प्यार हो, जितनी भी मूवी हैं सब एकदम सुपर डुपर हिट हैं। और सबसे परफेक्ट उनका लगता है मुझे उनका डांस, उनका डांस बहुत मस्त है इतना। और वो डायलॉग आईला वो नहीं क्या जादू, मैं बांग्लादेश से आया हूँ। ऋतिक सर के बारे में अगर एक चीज बताऊं तो वो मतलब हर चीज में अच्छे हैं। मतलब वो गुड लुकिंग है, वो अच्छे डांस करते हैं, वो अच्छी बॉडी है उनकी, वो अच्छे एक्टिंग करते हैं, मतलब हर चीज में वो परफेक्ट है। मतलब उनको कहते हैं ना लोग ग्रीक गॉड, मतलब किसी ग्रीक गॉड से वो कम नहीं है। मैं मतलब 6 साल की उम्र से, अभी मेरी उम्र 16 साल है, मतलब पिछले 10 साल से मैं उनका फैन हूँ। और आज पहली बार मैं मुंबई आया हूँ और मैं उनके घर के सामने हूँ, उनका वेट कर रहा हूँ एक झलक बस उनको देखने। कौन सी फेवरेट मूवी है आपकी? उनकी फेवरेट मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और आपकी? मेरी तो है क्रिस। और सबसे पहली बात, ऋतिक रोशन सर को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है वो जिए हजारों साल के दिनों, 50,000 के आगे इतने जीरो हों, 5 के आगे, कि दुनिया की कोई साइंटिस्ट क्या, कोई दुनिया की ताकत ना गिन सके खुद, यानी मतलब मैं वो कौन है अर्थशास्त्री आ जाए वो भी ना गिन पाए इतनी उम्र हो। थैंक यू, इज अनबीटेबल, थैंक यू। ओके, सो फर्स्टली व्हाट वुड यू लाइक टू से आज ऋतिक सर का बर्थडे, किस तरह का विशेष देना चाहोगे सर को? सबसे पहले तो सर को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा। आई होप ये वीडियो को देखें एंड थैंक्स आप लोग को कि आप लोग हमारा इंटरव्यू यहाँ पे ले रहे हैं। सो वेरी हैप्पी बर्थडे ऋतिक सर। आप क्या कहना चाहोगे, कहाँ से आए हो आप? गोवा से। स्पेशली बर्थडे के लिए आए हो, तो काफ़ी बड़े फैन लग रहे हो आप तो। कुछ बताना चाहोगे ऋतिक सर की, सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? मुझे तो ऋतिक सर की सब बात अच्छी लगती है, मुझे तो उसको देख के इंस्पिरेशन मिलता है। एंड कितने समय से आप खड़े हो, क्या लगता है सर की आने की उम्मीद कितनी है आपको? सर तो वैसे अभी जैसे बता रहे थे कि ऊपर से हाई किया तो तभी बोले तो है नीचे आएंगे, अभी पता नहीं मतलब सर के ऊपर डिपेंड है। आपको लगता है ऋतिक सर आने वाले? लगता तो है। और कौन सी मूवी आप लोगों को पसंद आती है, अगर कुछ बताना चाहो, कोई फेवरेट डायलॉग आपका? फेवरेट डायलॉग वैसे मैं बता चाहूँ कि मैं ऋतिक रोशन सर की मिमिक्री भी करता हूँ। ओके, थोड़ी बहुत ट्राई करूँगा। आपकी फेवरेट मूवी बता दीजिए, फिर मिमिक्री करेंगे। कौन ना प्यार, ठीक है अभी आपकी चांस, आपको मिमिक करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोग यहाँ पे आए हैं एंड मेरे बर्थडे पे आए हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इतने सारे लोग और इतना सारा प्यार आप लोग मुझे हमेशा मेरी मूवी के लिए देते हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू।